हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। मेटल और नॉन मेटल आपस में किस तरह से रिएक्ट करते हैं। जब हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ा था, तब हमने वहां पर देखा था कि मेटल्स दूसरे नॉन मेटल्स के साथ में जब रिएक्ट कर रहे थे तो उनके बीच में फॉर्मेशन हो रहा था आयोनिक कंपाउंड का, और जब एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल के साथ में रिएक्ट करता है तो वहां पर फॉर्मेशन हो रहा था कोवेलेंट कंपाउंड का। तो आयोनिक कंपाउंड बन रहे थे मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में। तो यहाँ पर हम यही देखेंगे कि जब कोई मेटल किसी नॉन मेटल के साथ में रिएक्ट करता है तो वहां पर फॉर्मेशन करता है किसका, आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जो आयन के मिलने से बनते हैं उनको हम बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। और ये आयन्स क्या होते हैं ये भी हमने बात की थी, और 9th क्लास में भी आपने पढ़ा हुआ है कि जब कोई एटम अपने में से इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो वो फॉर्मेशन करता है आयन का। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो फॉर्मेशन होता है पॉजिटिव आयन का या केटायन का, और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो फॉर्मेशन होता है नेगेटिव आयन का, जिसे हम बोलते हैं एनायन। तो यहाँ पर ये जो कैटायन मेटल्स जो है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और फॉर्मेशन करते हैं नेगेटिव आयन का, और इस तरह से फॉर्मेशन हो जाता है किसका, आयन्स का। तो ये जो आयन्स है पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, इनके बीच में एक फोर्स वर्क करता है जिसकी वजह से ये आयन्स जो होते हैं वो एक दूसरे से लिंक हो जाते हैं, इसी को हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। तो ये आयन्स केमिकल बॉन्ड की हेल्प से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और फॉर्मेशन करते हैं कंपाउंड का, और इन्हीं को हम बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड, और इनमें जो बॉन्ड फॉर्म होता है इसको हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। कोई भी मेटल्स या नॉन मेटल्स वो आयन का फॉर्मेशन क्यों करते हैं, होता क्या है कि कुछ गैसेस नेचर में प्रेजेंट है जिनको हम इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस बोलते हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, अर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़िनॉन, इनके नाम आप लोगों ने सुने होंगे। तो ये गैसेस इनर्ट गैसेस होती हैं। इनको इनर्ट गैसेस क्यों कहा गया है, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल जो होते हैं वो क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। इनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होते हैं और इसीलिए ये गैसेस जो है वो किसी से भी रिएक्ट नहीं करती हैं। तो हर एटम में, चाहे वो मेटल का एटम हो या नॉन मेटल का एटम हो, इसमें ये टेंडेंसी होती है कि वो अपनी नियरेस्ट नोबल गैस जैसा होना चाहता है। मीन्स वो चाहता है कि उसका आउटर मोस्ट शेल जो है वो क्या हो, कंप्लीट हो जाए। तो इसे समझने के लिए हम पहले कुछ देख लेते हैं इनर्ट गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन। जैसे हम एक गैस देखते हैं हीलियम। हीलियम एक इनर्ट गैस है। इसमें अगर हमें देखें एटॉमिक नंबर, तो इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 2, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन अगर हम देखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन तो ये होता है यहाँ पर 2, इसमें सिर्फ एक शेल प्रेजेंट होता है के। ये भी हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, के शेल, एल शेल, एम शेल, जो इलेक्ट्रॉन जहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, शेल बोलते हैं। और इसमें फर्स्ट शेल जो है उसको हमने के नाम दिया था। इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो किस शेल में होते हैं, के शेल में होते हैं। इसके बाद में हम बात करें नियॉन की, अगर हम बात करें तो नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 2a। इसमें 2 शेल होते हैं, के शेल और एल शेल। इसका आउटर मोस्ट शेल या ये जो शेल है इसको हम क्या बोलते हैं, इसी शेल को हम बोलते हैं वैलेंस शेल भी बोलते हैं, या क्या कहा जाता है इसे, आउटर मोस्ट शेल। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पर एक हम और देखते हैं गैस अर्गॉन। इसमें एटॉमिक नंबर होता है 18 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 2 8 8। इसके जो शेल है वो कौन से हैं, के एल एंड एम शेल होते हैं। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। ये इसका वैलेंस शेल है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम हीलियम की बात करें तो हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको हम ड्यूप्लेट बोलते हैं कि इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट है। पर हर एलिमेंट के जो एटम है उनकी
टेंडेंसी होती है कि वो नियरेस्ट इनर्ड गेज जैसे बनना चाहता है, मींस वो चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाए, उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो, या वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो वो अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है या इलेक्ट्रॉन को गेन करके वो अपनी नियरेस्ट इनर्ट गैस जैसा बनने की टेंडेंसी रखता है। तो इसीलिए मेटल या नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके या इलेक्ट्रॉन को गेन करके फॉर्मेशन करते हैं, किसका, आयन का। अब हम देखते हैं सोडियम मेटल को। सोडियम मेटल का जो एटम है वो किस तरह से आयन का फॉर्मेशन करता है। सोडियम का सिंबल होता है Na और इसका एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है कितना, 11। इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये होता है 2, 8, 1। इसमें 3 शेल होते हैं, K, L और M, 3 शेल है। इसके आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो जो सोडियम है या हम दूसरे मेटल्स की बात करें तो हम देखेंगे कि इनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 होते हैं 2 होते हैं और 3 होते हैं। ये किसमें होते हैं, मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में हमको यही इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं, 1, 2 और 3। और अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल में हमको वहां पर इलेक्ट्रॉन मिलते हैं 5, 6, 7। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन होते हैं किसमें, नॉन मेटल में, कहां पर, आउटर मोस्ट शेल में। तो मेटल के आउटर मोस्ट शेल में हमें 1 इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल्स रहते हैं वहां पर हमको आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, या तो 5 होंगे 6 होंगे या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, सोडियम मेटल की। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम क्या करता है, इसका एटम जो है वो अपने में से 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना हो जाएगा, 2 और 8 हो जाएगा। इसके पास सिर्फ बचेंगे 2 शेल और यहाँ पर फॉर्मेशन होगा किसका, सोडियम आयन का, ये केटायन का फॉर्मेशन होगा। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपनी नियरेस्ट इनर्ट गैस जो कि क्या थी, नियॉन थी, उसकी तरह से क्या हुआ, इसने अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट कर लिया, उस जैसा अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कर लिया। अब इसका आउटर मोस्ट शेल जो है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, मीन्स इसके आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। फॉर्मेशन किसका हुआ, Na पॉजिटिव आयन का, ये इसे हम क्या बोलते हैं, सोडियम आयन और केटायन भी बोलते हैं। अब यहाँ पर ये कि इसमें 1 पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, हमको मालूम है कि जो सोडियम का एटम होता है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कितने प्रोटॉन्स होते हैं, यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर है 11। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कितने हैं इसके पास है, 11 होते हैं नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी कितने होते हैं, इसमें 11 होते हैं। पर यहाँ पर हमने क्या देखा, जब सोडियम आयन का फॉर्मेशन हुआ क्या हुआ, सोडियम ने अपने में से 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। जब इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया तो क्या हुआ, इसके पास में नेगेटिव चार्ज कितने रह जाएंगे, 10 रह जाएंगे, और पॉजिटिव चार्ज कितने होंगे, यहाँ पर 11 होंगे। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, 1 पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन होगा। इसके बाद में हम यहाँ पर एक नॉन मेटल देखते हैं, हम क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन, क्लोरीन का सिंबल होता है Cl। इसका एटॉमिक नंबर जो है वो होता है 17। एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 17 है। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखें तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा 2, 8 और 7। इसके पास में 3 शेल है, के शेल, एल शेल और एम शेल। इसके आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर जो क्लोरीन है वो क्या करेगा, अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए ये 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। और जब ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, क्लोराइड आयन का।
और क्लोराइड आयन जो है वो कैसा होगा, नेगेटिव आयन होगा। और वो क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर ये क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन अब हो जाएगा 2 8 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन हो जाएगा। और यहाँ पर ये इसका आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल जो है वो क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। क्लोरीन जो रहता है, क्लोरीन के नियरेस्ट नोबल गैस जो होते हैं वो अर्गॉन होती है, और यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि इसने क्या किया है, अपना आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट कर लिया है। किसकी तरह हो गया, अब ये अर्गॉन की तरह इसने आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट कर लिया। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। इस पर नेगेटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि आपको मालूम है कि जो क्लोरीन है इसका एटॉमिक नंबर कितना था, 17 था। यहाँ पर 17 पॉजिटिव चार्ज थे और 17 ही क्या थे, नेगेटिव चार्ज थे। पर अब क्या हुआ, इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, तो इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हुए। 1 नेगेटिव चार्ज इसके पास में ज्यादा हुआ, इसीलिए यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ, किसका, नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ सोडियम आयन का, और यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ किसका, क्लोराइड आयन का फॉर्मेशन हुआ। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पर, कि सोडियम जो है, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, हमारे पास में 1 इलेक्ट्रॉन था। इसको हम इस डॉट से बना देते हैं। यहाँ पर क्लोरीन जो था, क्लोरीन का एटम जो था, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन थे। आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है। तो सोडियम क्या कर रहा है, सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, किसको दे देगा, ये क्लोरीन को दे देगा। और यहाँ पर फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, सोडियम पॉजिटिव आयन का या सोडियम कैटायन का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पर क्लोराइड एनायन का फॉर्मेशन या क्लोराइड नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, क्लोरीन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया, फॉर्मेशन हुआ क्लोराइड आयन का। अब इन आयन के बीच में, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दो अपोजिट चार्जेस वाले आयन है, इनके बीच में जो एक फोर्स लगेगा या लिंक बनेगा, और यही जो ये जो फोर्स लग रहा है इनके बीच में, यही फॉर्मेशन कर रहा है किसका, आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। और फिजिक्स में जब अपोजिट चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है तो हम उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, पर यहाँ पर केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री में इसको बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। और यहाँ पर ये जो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव अपोजिट आयंस जो है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, ये एक दूसरे के साथ में लिंक होंगे, इनके बीच में जो केमिकल फोर्स लगेगा, फॉर्मेशन होगा उससे किसका, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, सोडियम क्लोराइड का। अब इसे अगर हम देखेंगे सोडियम क्लोराइड में, तो हमें किसी भी तरह का चार्ज नहीं दिखता है, पर हम अगर इंटरनली देखें, सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज है, क्लोराइड पर कौन सा चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड बना है इनके बीच में, केमिकल बॉन्ड जो बना है, जिस केमिकल फोर्स की वजह से ये जुड़े हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। और इस तरह से फॉर्मेशन होता है किसका, सोडियम क्लोराइड। तो हम देखेंगे कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कैसे हुआ। सोडियम ने अपने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, क्लोरीन ने इस इलेक्ट्रॉन को गेन किया, सोडियम पर आया पॉजिटिव चार्ज और क्लोराइड आयन पर आया नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन ने मिलकर के क्या कर दिया, एक कंपाउंड का फॉर्मेशन किया, और इसके बीच में जो बॉन्ड बना, जो केमिकल फोर्स था, बॉन्ड था, वो कौन सा बॉन्ड था, इसमें आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। सोडियम क्लोराइड के बाद एक एग्जाम्पल और देखते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड का। मैग्नीशियम क्लोराइड में हम देखेंगे जो मैग्नीशियम रहता है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन अगर हम देखें तो होता है 2 8 2। इसके वैलेंस शेल में, यहां पर जो वैलेंस शेल है, एम शेल जो है, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैग्नीशियम जो है वो क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, डोनेट कर देता है, और ये फॉर्मेशन करता है किसका, Mg2 पॉजिटिव आयन का। यहाँ पर 2 पॉजिटिव आयन हमने इसलिए लगाया है
क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये क्या कर रहा है, इनमें से टू इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, तो इसमें से टू नेगेटिव चार्ज होते हैं वो क्या हुए, माइनस हो गए, इसीलिए यहाँ पर कितने पॉजिटिव चार्ज आए हैं, टू पॉजिटिव चार्ज आए हैं। तो हम यहाँ पर इसको मैग्नीशियम का जो आयन फॉर्म हो रहा है वो क्या होगा, Mg2 पॉजिटिव आयन फॉर्म होगा। क्लोरीन में अभी हमने बात की कितना एटॉमिक नंबर रहता है इसका, एटॉमिक नंबर होता है 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे, ये होता है 2, 8 और 7, 3 शेल है, KL और M 3 शेल्स होते हैं इसमें। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और फॉर्मेशन करता है किसका, क्लोराइड आयन का। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 2, 8, 8 हो जाएगा, मीन्स इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो गया। इसने अपनी नियरेस्ट इनर्ट गैस कौन सी थी, इसकी नियरेस्ट इनर्ट गैस अर्गॉन थी, उसकी तरह इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो गया। मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम में क्या हुआ, इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, इसका ये शेल तो अब बचेगा ही नहीं क्योंकि इसने क्या किया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, तो इसका मैग्नीशियम में क्या हुआ, इसने अपनी नियरेस्ट इनर्ट गैस कौन सी थी, हमने पढ़ा था नियॉन, नियॉन की तरह इसका आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट हो गया था। तो यहाँ पर मैग्नीशियम आयन का फॉर्मेशन हुआ और यहाँ पर क्लोराइड आयन का फॉर्मेशन हुआ। अब हम देखेंगे कि मैग्नीशियम और क्लोराइड आयन से मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कैसे होता है। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर ये मैग्नीशियम इस क्लोरीन को अपना एक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। इसके पास में जो एक इलेक्ट्रॉन और बचा हुआ है, ये क्या करेगा, दूसरे क्लोरीन एटम को डोनेट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम के पास में क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम पर आएंगे 2 पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर हमारे पास में जो क्लोराइड आयन है इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ पर क्लोराइड के पास में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और इन पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा और किसका फॉर्मेशन हुआ, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पर इनके बीच में इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज थे, यहाँ पर 2 क्लोराइड एटम के साथ में कंबाइन होकर के ये किसका फॉर्मेशन करेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा। ये क्या है, आयंस है, इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा, जो केमिकल फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से इसमें जो बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा बॉन्ड बन रहा है, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है किसमें, मैग्नीशियम क्लोराइड में। अभी हमने देखा कि सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड दो आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन देखा हमने। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, आयनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली क्रिस्टलाइन सॉलिड, आयनिक कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में होते हैं। हमने पढ़ा है सॉलिड लिक्विड और गैसेस, सॉलिड में आपने देखा है कि पार्टिकल्स जो रहते हैं क्लोजली पैक्ड रहते हैं, लिक्विड में पार्टिकल्स दूर होते हैं एक दूसरे से, गैसेस में पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूरी पर रहते हैं। तो यहाँ पर आयनिक कंपाउंड कैसे फॉर्म हो रहे थे, हमने देखा कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से इन कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा था और जब अपोजिटली चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में होंगे तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो रहता है वो कैसा होता है, ज्यादा होता है और फॉर्मेशन होता है किसका, सॉलिड का। तो आयनिक कंपाउंड किस फॉर्म में मिलेंगे हमको, सॉलिड के फॉर्म में मिलेंगे क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है, आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अभी जैसे हमने बात की कि आयनिक कंपाउंड कैसे फॉर्म हो रहे हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन से फॉर्म हो रहे थे, तो इनके पार्टिकल्स अपोजिटली चार्ज है, अपोजिटली चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा तो ये एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होंगे। इनके बीच का जो बॉन्ड है इसे तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, ज्यादा हीट देनी पड़ती है, इसीलिए ये आसानी से मेल्ट या बॉयल नहीं होते हैं। और आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे, आयनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जो आयनिक कंपाउंड है वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं लेकिन जो हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जैसे कि ईथर है, एल्कोहल है, इनमें ये सॉल्युबल
सॉल्युबल नहीं होते हैं और ऐसा क्यों होता है? जब इन आयनिक कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो वाटर का हाई डाइलेक्टेड कांस्टेंट जो होता है वो इनके बीच के जो पार्टिकल्स के बीच में जो बॉन्ड बन रहा था, आयनिक बॉन्ड बन रहा था, इन बॉन्ड को क्या करता है, वीक कर देता है, जिसकी वजह से ये वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। और इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिसॉल्व इन वाटर और व्हेन मेल्टेड। जब आयनिक कंपाउंड को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं या इसे मॉल्टन फॉर्म में हम देखेंगे तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। हमको मालूम है इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट होगी, जब या तो आयन प्रेजेंट होंगे या फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो क्या होता है कि जब हम इन आयनिक कंपाउंड्स को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये आयन में डिसोसिएट्स हो जाते हैं, आयन फॉर्मेशन होता है वहां पर, और या हम इनको मॉल्टन फॉर्म में लेकर के आते हैं तब इनमें क्या होता है, आयन का फॉर्मेशन होता है। आयन क्या करते हैं, आयन इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करने का काम करते हैं। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर आज कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर में मेटलर्जी और कोरोजन दो पार्ट और दिए हैं जो आपके अभी 2020-2021 के सिलेबस में से इसको हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।